दोस्तों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि डायबिटीज के मरीजों के अंदर पेट फूलने की समस्या, यानी पेट भरा भरा क्यों लगता है। तो देखिए, वैसे भी पेट भरा होने के कई कारण होते हैं, और डायबिटीज बात करें तो सबसे पहला कारण हो गया कई दवाएं जो पेट को हैवीनेस फील करती हैं, जैसे कि मेटफॉर्मिन नाम की टैबलेट होती है, जो ग्लाइकोमेट, ग्लूकोनाम, बिगोमेट, देन सिटापिनेक्सर, कई नाम से आती हैं। तो मेटफॉर्मिन टैबलेट क्या होती है कि पेट को फुलनेस की फीलिंग देती है। तो अगर मेटफॉर्मिन हाई डोज खा रहे हैं आप, मतलब कि आप मोर देन 2 ग्राम खा रहे हैं, तो पेट भरा भरा लग सकता है। ऐसे में मेटफॉर्मिन की डोज कम करने से आपको पेट का भारीपन कम हो जाएगा। सेकेंड ड्रग होती है, एक ड्रग होती है GLP रिसेप्टर एगोनिस्ट, जो मार्केट में ट्रूलिसिटी के नाम से या विक्टोजा के नाम से आती है। ये भी पेट की आंतों की मोटिलिटी को, यानी मूवमेंट कम कर देती है। सो दैट जो भी खाना खाते हैं आप, पेट में रखा रहता है लंबे समय के लिए, पेट भरा भरा लगता है, खाने का मन कम करता है। फिर थर्ड समस्या होती है डायबिटीज। जब पुराना हो जाता है, क्रॉनिक हो जाता है, तो कभी कभी डायबिटीज का असर पेट की नसों में, नर्व्स के अंदर पड़ जाता है, या छोटी आंत के नर्व्स में पड़ जाता है। तो जब भी डायबिटिक का असर स्टमक के नर्व्स पर पड़ता है, उसे बोलते हैं डायबिटिक गैस्ट्रोपैरेसिस। तो नसों में असर पड़ने की वजह से हमारी स्टमक की मोटिलिटी, यानी कि फूड को आगे धकेलने की कैपेसिटी घट जाती है। तो जो भी मरीज खाना खाता है, पेट में लंबे समय तक रखा रहता है, तो पेट भरा भरा लगता है। फिर काफ़ी कई सालों से अगर समस्या रहेगी, तो जब पेट के अंदर खाना रखा रहेगा, सुबह खाना खाएगा, वो खाना शाम तक रखा रहेगा, फिर दोपहर खा लेगा, फिर डिनर कर लेगा, तो धीरे पेट की साइज बढ़ता जाता है, स्टमक जो साइज वो बढ़ता जाता है। तो डायबिटिक गैस्ट्रोपैरेसिस, गैस्ट्रो मतलब स्टमक, पैरेसिस मतलब कि उसका मूवमेंट करने की क्षमता घटना, तो डायबिटिक गैस्ट्रोपैरेसिस पेट भारी होने के इम्पॉर्टेंट कारण है। तो डायबिटिक गैस्ट्रोपैरेसिस में मरीज को पेट भरा भरा लगता है, खाने का मन कम करता है, भूख कम लगती है, और कभी कभी उल्टी भी हो जाती है। और उल्टी खास बात क्या होती है कि कभी कभी कल का खाना खाए भी उल्टी आ जाती है, क्योंकि वो स्टमक रखा हुआ, स्टमक से आगे उसने पुसी नहीं हुआ है, तो रखे रहने की वजह से पेट भारी भारी रहता है। जब गैस्ट्रिक पैरेसिस होती है डायबिटीज की वजह से, तो साथ में अक्सर देखा है कि छोटी आंतों का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जिससे क्या है कभी डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और बड़ी आंतों का इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो गैस्ट्रोपैरेसिस अकेले होती है, या साथ में कभी डायरिया, कभी दस्त भी हो सकता है, या उल्टी भी हो सकती है। फिर अन्य कारण क्या होते हैं, समाज में 100 में से 25 से 30% लोग के अंदर एक बीमारी होती है, उसे बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है कि हमारे इंटेस्टिन के मूवमेंट जो है वो वैरी होती रहती है, जिसकी वजह से अगर स्टमक की मूवमेंट कम होगा तो मरीज को भूख कम लगेगी, पेट भरा भरा लगेगा, और पेट फूला फूला लगेगा। तो उसे बोलते हैं IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है, ऐसे मरीजों को पेट भारी के अलावा कभी डायरिया, कभी दस्त भी हो सकते हैं। ले ले लो, रुकवा दी, ले लो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत। हाँ तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी IBS, पेट भारी होने का, फूला फूला रहने का एक मुख्य कारण है। इसके लिए कई दवा आती हैं, उसे लेने से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इस तरह डायबिटिक गैस्ट्रोपैरेसिस के लिए कई दवा आती हैं, जो कि गैस्ट्रिक मोटिलिटी बढ़ाती हैं, उससे आपकी प्रॉब्लम कंट्रोल हो जाएगी, साथ में शुगर भी कंट्रोल करिए। फिर थर्ड कोई अदर समस्या, जैसे कि फैटी लीवर हो, या नॉन अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, लीवर सूजन हो जाए, उससे भी पेट भरा भरा फूला फूला लगता है। फिर कोई अदर बीमारी में किसी थायराइड की समस्या हो, और हाइपोथायराइड होगा तो उसका पेट भरा भरा लगेगा, या कुछ गैस्ट्राइटिस बीमारियां होती हैं, कई कमियों की वजह से पेट में गैस्ट्राइटिस हो जाती है, आते स्टमक की जो लाइनिंग सूज जाती है, जिसकी वजह से ये पेट भरा भरा लगता है, या किसी मेल अब्जॉर्प्शन हो, इंडाइजेशन हो ड्यू टू इंटेस्टाइन इन्फेक्शन हो, या
पेनक्रेटाइटिस हो, पेनक्रियाज में एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम कम बने, या एक बीमारी होती है सीलिक डिसीज, जिसमें क्या होता है कि ड्यू टू ग्लूटेन खाने की वजह से आंतों की इनर लेयर सूख जाती है और खाना पच नहीं पाता है, जिसके मरीज को मेल एब्जॉर्प्शन अलॉन्ग में पेट भारी हो जाता है। फिर अदर ऑर्गन डिसऑर्डर, किसी को किडनी फेलियर हो, लीवर फेलियर हो, उसकी वजह से पेट भारी हो जाता है। फिर कई ड्रग्स होती हैं जिसकी वजह से पेट भारी होता है, लाइक स्पेशली एंटीसाइकेट्रिक ड्रग्स। फिर किसी को डिप्रेशन एंजाइटी हो, उसमें पेट फूला फूला भरा भरा हैवी लगता है। फिर आंतों का इन्फेक्शन हो जाए किसी को, छोटी आंत इन्फेक्शन हो, गॉल ब्लैडर इन्फेक्शन हो, अपेंडिक्स इन्फेक्शन हो, कोई भी इन्फेक्शन होने से गैस्ट्रिक मोटिलिटी डाउन हो जाती है, पेट भरा भरा फूला फूला लगता है। तो जब भी किसी को डायबिटीज पेट फूला होता है, तो सबसे पहले आप डायबिटीज कंट्रोल करिए, गैस्ट्रिक मोटिलिटी बढ़ाने की दवा लिखिए, और जब भी गैस्ट्रिक पैरेसिस होती है तो ऐसे में आपको सलाद कम खाना चाहिए और थोड़ा थोड़ा खाना बार बार खाना चाहिए। साथ को योगा करिए, कपालभाति करिए, योगा करिए, उससे गैस्ट्रिक मोटिलिटी तेज होती है। तो डायबिटीज कंट्रोल करने बाद, इसके बाद योगा करिए, स्मॉल मील फ्रिक्वेंट लीजिए, प्लस गैस्ट्रिक मोटिलिटी बढ़ाने दवा आती है जैसे डोमपेरिडॉन, देन कई ड्रग्स आती है जो कि मोटिलिटी और तेज करती हैं, जैसे इटोप्राइड और एकोगट, इस तरह दवा लेने से भी गैस्ट्रिक मोटिलिटी तेज होती है और पेट भारी समस्या कम होती है। प्लस अगर कोई मोटा है, वेट ज़्यादा है, तो वेट कम करने से भी पेट भारीपन कम होता है, क्योंकि उससे फैटी लीवर कम होगा, लीवर से फैट कम होगा, तो आपका मोटिलिटी गैस्ट्रिक इंप्रूव करेगी। प्लस रेगुलर एक्सरसाइज करिए, रेगुलर स्लीप रखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, इन सबसे आपका गैस्ट्रिक मोटिलिटी इंप्रूव करेगी और आपका पेट फूलने समस्या कम होगी। तो अपने डॉक्टर से मिल करके देखिए कि कारण क्या है, और नीड बेस्ड ऑन दैट डायबिटीज मेडिसिन चेंज करके, शुगर कंट्रोल करके, लाइफस्टाइल चेंज करके, कुछ ड्रग लेकर के आप ये प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो से नॉलेज मिला कि आपको हैवी एब्डोमेन या पेट भरा भरा क्यों लगता है और कैसे ठीक किया जाता है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।